गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आत्माओं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में ये वर्णन दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। और जो संत इसको सब विभाग से ही बता देगा, कौन तना किसको कहते हैं, डार किसे कहते हैं, शाखा किसे कहते हैं, पत्ते क्या है, सवेदवित वेद के तात्पर्य को जानने वाला है वो तत्वदर्शी संत है। फिर उस तत्वदर्शी संत की के मिलने के उपरांत उससे ज्ञान समझने के पश्चात इस अज्ञान रूपी गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट गए, उसके पश्चात उस परमात्मा के उस परमपद को की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी फिर लौट के संसार में कभी नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए हैं, एक सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष, 16वें श्लोक में। और ये दोनों भगवान बताए हैं कि ये भी नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये इनका भी स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा तो वैसे ऑटोमेटिकली स्वाभाविक अमर है। उसके बाद 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, ये लोक तरण आविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम माने श्रेष्ठ प्रभु, वास्तविक परमात्मा, वो तो कोई ऊपर वर्णित 16वें श्लोक में जो वर्णित सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष इनसे कोई और है, अन्य है। ये सर्वपुरुष ये ब्रह्म है, सर्वब्रह्म भी कहते हैं इसको, सर्वब्रह्म और अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म है। सर्वब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं और अक्षर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड हैं। और जो इनसे अलग जो परमात्मा है, वास्तव में जो भगवान कहलाता है, उसके असंख्य ब्रह्मांड हैं, सबके ऊपर कुल का मालिक है। तो इसमें लिखा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविश्य विवर्ति अवैश्वर है। यह परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, ये वास्तव में अविनाशी प्रभु है, अविनाशी परमात्मा। अपने आत्मा यहां यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार इसी का प्रमाण है, अग्नि माने परमेश्वर, तनो माने शरीर, सह शरीर असी माने है, वो परमेश्वर सह शरीर है। और विष्णुवे तवा सोमस्य तनोरसी, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए भी वो परमात्मा अन्य शरीर रखता है। जैसे स्वामी रामानंद जी को, संत गरीबदास जी को, संत नानक दास साहिब जी को, संत दादू दास जी को, संत मलुक दास जी को और संत गीसा दास जी को परमात्मा यहां से लेके उनकी आत्मा को सचखंड में, उन्होंने जाकर यही देखा था कि एक रूप तो परमात्मा यहां घूम रहे हैं और दूसरे रूप में सचखंड के सिंहासन पर विराजमान है, ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में। इसी प्रकार यजुर्वेद बता रहा है कि परमात्मा सह शरीर है और दो रूपों में शरीर धारण है, एक तो अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी रूप में वहां विराजमान रहता है और वही अन्य रूप धारण करके यहां पृथ्वी पर भी हमें सत भक्ति से
ओत प्रोत करने के लिए आता है, हमारा धारण पोषण करता है, वही पर उसी परमात्मा की साधना से उसी के विधान अनुसार सब सबको जैसा किया हुआ कर्म ये ब्रह्मा विष्णु महेश देते हैं, उसी का विधान बनाया हुआ है। और वो स्वयं जब यहां आ जाता है तो विशेष राहत देता है। तो इस प्रकार परमात्मा सह शरीर है, मानव सदृश है, वो साकार है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि गॉड इज मैन फॉर्म, परमात्मा मनुष्य जैसा है। और जितने भी आज तक हिंदू धर्म के किसी भी संत ऋषि महर्षि की छुरी देख लो उठाकर सिद्धांत उनके अनुभव, वो कहते हैं परमात्मा निराकार है। मुसलमान धर्म से पूछ लीजिए, वो कहते हैं परमात्मा बेचून है, बेचून में निराकार है। और ईसाई धर्म से के किसी भी अनुयायी से पूछिए, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार। और हमारे सदग्रंथ का वो साकार है, मनुष्य सदृश है। पुण्यात्मा, परमेश्वर की एक वाणी है, मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चम, इनका फेरा मोतिया बंदरे। सदग्रंथों को पढ़ते थे, सब अध्याय भी करते थे, ये नहीं समझ में आता ये सदग्रंथ हमें संदेश क्या दे रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, ये जितने भी ये विद्वान थे, मंडलेश्वर थे, ऋषि थे, ये पीर थे, गुरु थे, ये दिखे तन्यु थे, बड़े विद्वान पुरुष हैं, इन्होंने संस्कृत भाषा आती है, फारसी भाषा आती है और इंग्लिश अच्छी तरह बोल लेते हैं, लेकिन इनका तत्व ज्ञान रूपी मोतियाबिंद हो रहा था, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हो रहा था, तत्व ज्ञान इनको दिखाई नहीं देता था, ये दिखे थे आंखों वाले पर थे नपटंदे, ज्ञानहीन थे, ज्ञान नेत्रहीन थे। मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंदरे, और इनके दिखत के तो नैन चम, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल, देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टेम्स MA MDV, एसोसिएट एडिटर जे वेस्ली आदम्स PhD, ये वही यहां हिंदी में लिखा है सारा कुछ, डेविड सटुवार्ड्स संपादक, प्रबंध संपादक, अंग्रेजी संपादक प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, ये घना ये मैसूर, लाइफ पब्लिशर ये कहां से छपा है, इंटरनेशनल स्प्रिंग फाइट मसूरी, USA से छपा है। अब हम इसमें ये देखेंगे, इसकी उत्पत्ति का फर्क देखते हैं ग्रंथ, ये है उत्पत्ति, उत्पत्ति ग्रंथ है, इसमें अंग्रेजी में इसको ये लिखा है Genesis 1:1, चार पृष्ठ पर, यहां इसमें लिखा आरंभ में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमात्मा का अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, इस तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए,
तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया, इस प्रकार यू तीसरा दिन हो गया। फिर यू चौथा दिन में कुछ और रचना करी। चौथा दिन हो गया, फिर ये प्रश्न नंबर 5 पा गया हमें, उत्पत्ति 1 और 2। इस तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। छठे दिन में देखना, फिर 26 नंबर ये श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी सम्मानता में बनाए। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यानी उनका कंट्रोलर हो, मनुष्य को इतना समझदार बनाऊं और अपने जैसा बनाऊं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ओहो अपुण्य आत्मा, आप जी ने अपनी आंखों देखा, पवित्र बाइबल पढ़ा, इसमें स्पष्ट कहा है कि परमात्मा ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप अपने जैसी सकल सूरत का बनावांगे, और ऐसा ही बना दिया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि कर दी। तो इससे सिद्ध हो गया कि मनुष्य भी हमारे जैसा है। और सूक्ष्म वेद में जिन परमात्मा देखा, गरीबदास साहेब जी ने अपनी सूक्ष्म वाणी में, अमर वाणी में परमात्मा के दर्शन करके कहा कि हमारे ही उनिहार है हमारा सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसा, हमारे जैसी सकल का, हमारे जैसे आकार का वो परमात्मा है हमारा सृजनहार, हमारा रचने वाला। इसमें एक और खास बात बताई है बाइबल में कि परमात्मा ने फिर कहा कि मनुष्यों के लिए मांस खाने का आदेश नहीं है। इसमें कहा कि तुम्हारे लिए पृथ्वी पर जितने भी बीज वाले पौधे, बीज वाले फल हैं, बीज वाले पौधे हैं और ये फलदार वृक्ष हैं, ये तुम्हारा आहार होगा। इसी प्रकार अन्य प्राणियों के लिए भी ये घास फूस ही खाने को बताया है। परमात्मा का आदेश मांस आहार का नहीं है, ये देखिएगा। अब हम ये जेनेसिस यानी उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, ये 2 पे हम आगे 26, 2 का हमने 1 का 26 पढ़ रहे थे। ये आपने पढ़ा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बना, अपनी समानता में बनाए, ऐसा ही कर दिया। तब परमेश्वर ने 27 में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, 2-3 बार लिख रखा है, और नर नारी करके उसकी मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य नर नर नारी हम बनाए, ऐसा ही भगवान है हमारे जैसा। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। इसमें कितना बकरे काट के, गऊ काट के खाने का, मांस खाने का कति आदेश नहीं है। और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, ये घास फूस पौधे, वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। सांझ हुई तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन क्या लिखा कि यों आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन
समाप्त किया, ठीक हो गया, विश्राम किया, सारे सातवें दिन सारे काम से विश्राम किया। अब हम कुरान शरीफ को सरूबरू कराते हैं। अभी आपने पवित्र बाइबल में स्पष्ट देख लिया, परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो परमात्मा भी नर आकार जैसा नर आकार है। और छह दिन में सृष्टि रची, सातवें दिन विश्राम किया, और यही पवित्र बाइबल ना पवित्र कुरान शरीफ समर्थन देगा कि वो परमात्मा कबीर है। छह दिन में जिसने सृष्टि रची, सातवें दिन तख्त पर जा बैठा, छह दिन में सृष्टि रचकर भगवान को चला गया सतलोक, पाश्चात्य काल ने बागडोर संभाल ली। उसके बाद जो भी सदग्रंथ में पवित्र बाइबल में जो कुछ भी लिखा है, ये काल के देवताओं द्वारा दिए गए आदेश हैं, वो पालन करने योग्य नहीं है, जो हमारे सूक्ष्म वेद से नहीं मिलते। पवित्र बाइबल में आगे चल के मांस खाने का भी प्रावधान बताया है। वो कैसे बताया है कि उसमें प्रमाण दिया है कि ये जितने भी इनके पैगंबर या संत हुए हैं, हजरत ईसा मसीह के अंदर भी प्रेत अंदर उनको ये वो बोले अच्छी आत्मा, नेक आत्मा, वो पितर और अन्य देव जो भूत बने हुए हैं वो उसमें बोलते थे। और फिर कईयों में ये अन्य आत्मा दुष्ट आत्मा कहते भूत वाता ये भी बोलते थे। तो उन्होंने आगे आदेश दिए गए हैं, जैसे यहाँ कहता है कोई हिंदू धर्म के अंदर भी आप देखते हो भूत भड़के किसी में, अनुगम मैं भैरव हूँ, ओ भैरव हूँ, कोई कह मैं दुर्गा बोलूँ, सारे भूत हैं वो बकवादी, कोई कह बकरे लाओ मेरी खातर, वो डरते बकरे काटने लाएंगे, दूने पापी और बना दिए नालायका ने, किन्होंने ये अंदर बोल के भूत, और अपने आप को कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है। तो अपने आत्मा अब पवित्र कुरान शरीफ और क्लियर करेगी, पवित्र बाइबल ने यह क्लियर कर दिया परमात्मा मनुष्य जैसा है, और उसने छह दिन में सृष्टि रच के अपने निज स्थान पर विश्राम कर दिया। कुरान शरीफ ये बताओगी उसका नाम कबीर है, ये देखिएगा, ये है पवित्र कुरान शरीफ, इसमें लिखा है यह वह इलामी किताब है, यह वह किताब है जिसमें कोई संदेह नहीं, जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, यानी इसमें जो लिखा है वो कति सच्ची सच है। देखिएगा शेरवानी संस्करण है, ये वही है, ये वही इलामी किताब है जिसमें संदेह की गुंजाइश नहीं। और ये है मुतरजम है बरहासियस, यानी सनुवाद सटीपण, इसका अर्थ है, इसका अर्थ ही ब्रैकेट में रखे, ये ऐसा होता है। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवाणी संस्करण, प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें देखिएगा यह है सूरत फुरकानी, ये कुरान शरीफ है, और यह है सूरत फुरकानी, सूरतुल, इसको सूरत बोलते हैं, सूरतुल फुरकानी 25, और आयत नंबर ये 52 है। ये पहले तो सारी अरबी भाषा है, ये देखिएगा ये वाली, ये लैंग्वेज तो है अरबी और लिपि है या उर्दू। अब इसी लिपि को, इसी लैंग्वेज को फिर इसमें ही देवनागरी लिपि में एज इट इज लिख दिया, यही शब्द उर्दू में है, यही शब्द फिर हिंदी में लिख दिए, कैसे, फलातुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द है, इसको कबीरा कहो कबीर कहो। अब इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। इसी कुरान शरीफ की
इसी का दूसरा नाम रखा है कुरान मजीद। एज इट इज अक्सर है, एज इट इज इसमें सब कोई सेंटेंस का भी अंतर नहीं है, लेकिन उसको उच्चारण और लिखने में फर्क हो जाता है, ये क्लियर है। देखिए कुरान मजीद आसिफ बुक प्रकाशक आसिफ बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6। और ये देखना हिंदी मुतरजम तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहेब जालंधरी मौलाना तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहेब प्रकाशक ये फरीद बुक डिपो लिमिटेड नई दिल्ली। इसमें देखिएगा ये है सूरत फुरकानी, सूरत फुरकानी 25 कुरान मजीद, और इसमें 570 है, उसमें 604 पृष्ठ है। फिर दिखाऊंगा, यहां देखना एज इट इज, इसमें कोई अंतर नहीं। ये नीचे 52 नंबर एज इट इज बिल्कुल। फला तुतियल काफिरन ने वे जाहिदुम बीही जिहादन कबीरा, ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था दास। उसमें कबीरन कबीरन समझ गया, कोई ना सोचा कि इसका अर्थ और बनता हो, ये कबीरा, तो इसको कबीर कहो चाहे कबीरन कहो, बस इससे इतना ही लेंगे। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही लेते हैं, अब कुरान शरीफ को ही आपको सुनाएंगे। ये कबीर और कबीरन एक के बात है। अब इसमें क्या बताया है आपको, मौखिक बता दिया था, अब फिर इसी के अंदर रूबरू कराते हैं आपको सदग्रंथों से। ये देखना ये कुरान शरीफ वही है जो अभी आपको दिखाई थी। ये प्रश्न नंबर 604 दिखाना रह गया था, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 604 पे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर ये देखिए 52। फला तुतियल काफिरिन वे जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, जैसे संस्कृत में लिखते हैं ना उत्तमम, मैं हट जाता उल अलंत वाला, उत्तम रह जाता है, तैसे ये कबीरन ये न हट जाएगा, कबीर रह जाएगा कबीर। 52 में इसका अर्थ इन्होंने किया है, यहाँ पर देखिएगा इन्हीं का अनुवाद देखिए। एक तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अच्छा आगे देखो, अब इस वास्तव में ये है कि ये वो कबीर नामक परमात्मा है, उसके लिए तो संघर्ष कर। 607 पृष्ठ पे अब 53 नंबर आयत हम यहां पढ़ेंगे, और वो कबीर नामक परमात्मा और वही है, वह है वो परमात्मा वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा और प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अभी आपने पवित्र बाइबल में पढ़ा था वही, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी बेटा बेटी ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज को करने में शक्तिमान है, और अल्लाह के सिवा काफिर तो अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी देवता तो केवल किया हुआ कर्म ही दे सकते हैं, कम बत्ती नहीं कर सकते, पाप नाश नहीं कर सकते, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं।
तो ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर आजाब से डराने के लिए भेजा है। 56, अब 57 में, आयत नंबर 57 में, श्लोक नंबर 57 में, सूरत फुरकानी नंबर 52 की आयत है ये। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो, हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा, इस पैगंबर हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, जैसे गरीबदास जी को, नानक साहिब जी को, मुलुकदास जी को मिले थे। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, अर्थात वो वास्तव में अविनाशी है, और सिर्फ तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से आपके जो पाप हैं उसकी दृष्टि में हैं वो उनको नाश कर देगा। वह काफ़ी, यहाँ काफ़ी कर दिया, उस कबीर खबीर का अर्थ यहाँ इन्होंने, ये 58 आयत है, ये देखिएगा, ये 58 आयत है। इवादही खबीरा, इवादही, इवादही माने पूजा के योग, कबीर माने कबीर कहो खबीर कहो, ये बोलन लिखन में फर्क हो जाता है। इवादही खबीरा, इवादही माने पूजा के योग है वो कबीर परमात्मा, और इन्होंने इसका अर्थ यहां कर दिया वो काफी यानी बहुत, ये 58 है। तो वो अपने बंदों के गुनाहों से, अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खबरदार है, खूब जानता है, और उनको नाश कर दे। 59 में देखना, जिसने, ये वही कबीर नामक परमात्मा वही है जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, यहां कबीर लिखना था, वो अल्लाह कबीर है और वो दयालु है। इन्होंने अर्थ कबीर का अर्थ लिख दिया। 59 में देखना, इधर ये 59 है आयत, अरहमानो असफल बीही खबीरन, यु कबीर शब्द है, इसका भी अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। यहां देखना, ये 59 नंबर चल रही है, जिसने आसमान और जमीन और उसके उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह कबीर, वह अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर, उस कबीर नामक परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह भी नहीं जानता उसके बारे में कह रहा है, तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अपुन आत्मा, आपको अब ये रूबरू हो गया, सदग्रंथ हमें, हमारे क्या बता रहे हैं, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ, इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने आपस में रल मिलकर ये कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया, परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, और जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो परमात्मा कोई और है। कुरान शरीफ के ज्ञान दाता जो अल्लाह, मुसलमान धर्म इसको अपना अल्लाह मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो हजरत मोहम्मद को संदेश दे रहा है कि उस परमात्मा के विषय में वो कोई और परमात्मा है, वो बड़ा भगवान मान लो, ये बड़ा मानने है, वो कबीर परमात्मा है। यदि मुसलमान भाई इस कबीर का अर्थ बड़ा करके चले तो वो जो अल्लाह कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है उससे कोई और है बड़ा भगवान, और उसकी जानकारी कुरान शरीफ में नहीं है, कोई तत्वदर्शी संत बतावेगा, इति सिद्धम। और वो परमात्मा जिंदा रूप में हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। सूक्ष्म वेद में बताया गरीबदास साहिब जी ने कि कबीर जी ने मुझे बताया कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, कबीर जी परमात्मा अपने यहाँ एक, इस ब्रह्मांड में भी एक मिनी सतलोक है कबीर परमात्मा का, और वो इन यहाँ के भगवानों की रेंज से बाहर है, उनको उसकी खबर नहीं है।
जैसे राजदूत भवन होते हैं, एम्बेसडर हाउस प्रत्येक कंट्री का, प्रत्येक कंट्री में, तो यहाँ परमात्मा का एक राजदूत भवन है और वहाँ परमेश्वर इस मोहम्मद जी को लेकर गए। लेकिन उस समय तक हजरत मोहम्मद जी के लाखों की संख्या में अनुयायी हो चुके थे और ये वहाँ रहे नहीं, यहाँ की प्रभुता इनको वापस खींच लाई। अब कबीर परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि हजरत मोहम्मद जी ने हमारी बात को माना नहीं, लेकिन उसने आप जी को बिस्मिल करने की सलाह नहीं दी। हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठायो, इस शरीर में वापस भेज दिया, उसकी आत्मा निकाल ले गई थी, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे, कि उसने आप जी को रोजा और ये आवाज लगाकर पूजा करना और ये नमाज, रोजा बंग नमाज दे रे, रोजे करने भी बताए, बंग देना आवाज लगाना भी बताया और नमाज भी दी और बिस्मिल की नई बात कही रे। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का हाया, 180,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के सीधे 180,000 मुसलमान यानी ये अनुयायी बने थे और कहते उनको सौगंध है, कसम है उनको, उन्होंने कभी किसी ने तुम्हारे की तरह ये बकरे गऊ काट कर नहीं खाई। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का हाया, 180,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, अरस कुरस पर आसमान के आखिरी छोर पर सतलोक में, अरस कुरस पर अलह तकत है पर खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब की अब्दाली। वो पुण्यात्मा हजरत मोहम्मद और उनके 180,000 अनुयायी, वो तो पवित्र आत्मा थी, परमात्मा के कृपा पात्र थे, वो ये गंध नहीं खाते थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, और अरस कुरस पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली। वो परमात्मा भले ही ऊपर सतलोक में रहता है लेकिन उसकी दृष्टि से, उसकी रेंद से कोई भी बार नहीं है, पूरी पूरे ब्रह्मांड उसकी नजर में है। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो परमात्मा बहुत प्यारी आत्माएं थी, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। अपुनात्मा यजुर्वेद के विषय में आपको हमने दिखा दिया, बहुत बार दिखाया है लेकिन अब समय का अभाव है इसलिए। तो आज हम आपको यही क्लियर करना चाहते थे परमात्मा कैसा है और उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, और वो परमात्मा स्वयं बताते हैं। 16 शंख पर हमारा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, ये काटन काल का फंदा। हमारा सतलोक के अंदर 16 शंख कोस की दूरी पर, यहाँ से सतलोक में हम रहते हैं, वहाँ हमारा तकिया है, हमारा निज स्थान है। नील पद्म शंख, 16 शंख कोस, एक कोस के अंदर लगभग 3 किलोमीटर होते हैं, 48 शंख किलोमीटर दूरी पर, जैसे अरब खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म हैं, पद्म 10 पद्म, नील 10 नील, फिर शंख 10 शंख, ऐसे कितनी कहते वहाँ पर हम रहते हैं यहाँ से। और आप जी को वहाँ जाने के लिए इस सत भक्ति रूपी, इस सच्चे नाम रूपी नाम की कमाई करनी पड़ेगी, और इसका एक ऐसा विमान बनेगा आपका, आपकी आत्मा को ऐसे स्पीड से वहाँ ले जाएंगे, कुछ ही पल में आप वहाँ अपने ही लोक में पाओगे, काल देखता रह जाएगा। मुनात्मा
जब तक हम साधना भी कर रहे हैं और परमात्मा से परिचित नहीं हो पा रहे, और कौन सी साधना है जो करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए उसके लिए भी सद्ग्रंथ ही प्रमाण देते हैं। परमात्मा क्या लीला करते हैं, जैसे हमने श्री कृष्ण जी को परमात्मा किस आधार से माना था, इस आधार से माना था कि उन्होंने कुछ ऐसी लीलाएं की, जैसे गोवर्धन को श्री विष्णु जी ने कृष्ण रूप में आकर गोवर्धन नामक एक गिरिराज बोलना है इसको, गोवर्धन पर्वत को, उसको उठा लिया था हाथ पे, और दूसरे श्री राम रूप में विष्णु जी ने आकर लंका पर जाने के लिए समुद्र पर पुल बना दिया था। अब परमात्मा कहते हैं बोली आत्माओं, यदि तुमने इन्हीं कुछ एक इन करिश्मों को देखकर तुमने श्री राम को यानी कृष्ण जी को भगवान मान लिया विष्णु जी को, कैसे, क्या बताते हैं, काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अके राम। रामचंद्र जी पुत्र दशरथ अयोध्या वासी, जब सीता जी को रावण उठा ले गया था, पता लगने पर उसके लाने के लिए सेना पार करनी थी, सेना पार होगी तो वहां क्या कहते हैं कि एक बार नाग फांस छोड़ दिया एक शस्त्र, और उसमें इतने नाग उत्पन्न हो गए उन सर्पों ने, रामचंद्र जी वाली सारी सेना को ऐसे बांध दिया जैसे बाजरे की पूड़ी बांध दिया करें, हाथ नीचे को और उनको जकड़ लिया लपेटे लाके और ऐसे माथे पर डंक कर लिया। रामचंद्र भी बांध दिया, लक्ष्मण भी बांध दिया, सारी सेना बांध दी, अन्यों खड़े चुपचाप, कुछ करने योग्य नहीं। कहते हैं फिर गरुड़ को याद किया, आपत्ति में विपत्ति में, और गरुड़ पक्षी ने आकर वह नाग काटे खाए, तब रामचंद्र जी बंद मुक्त हुए। अब क्या बताते हैं, तुम इसको भगवान कह रहे हो, कहते हैं काटे बंधन विपत में वहां कठिन की यो संग्राम, अर चिन्हो रे नर प्राणिया थरा यो गरुड़ बनो बड़ो थारो राम। इब तुम्हारा यो गरुड़ बड़ा होया, ताकतवर होया, थरा राम होया, जिसने राम के भी बंधन काटे, बंध काटी उसकी। फिर क्या बताते हैं, समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए इनमें कौन करतार। यदि तुम इस दृष्टिकोण से श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते हो कि उन्होंने समुद्र पर पुल बना दिया और पुल बनाकर सेना तार ले गया, समुद्र पर पुल बनाने मान मात्र से तुमने इनको भगवान मान लिया, और अगस्त ऋषि ने सारे सातों के सातों एक गुट में पी लिए थे। पुणात्माओं, आध्यात्मिक शक्ति में, आध्यात्मिक जो शक्ति है वो बहुत प्रबल है। ये वैज्ञानिक अब ये केमिकल मिला मिलू का और ये आसमान में झाड़ छोड़ छाड़ कर नहीं सोच लिया भगवान सही को इनकी थे, नहीं, तुमने 100 साल में जो प्रोग्रेस करी है वो सारी फेल, और एक एक पल में परमात्मा की शक्ति से पता नहीं के हो जाए वचन से। तो ऐसे एक सिद्धि प्राप्त कर ली थी, एक सिद्धि होती है सब सागर पी लेती है, सब समुद्रों को पी सकता है। अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में एक सिद्धि प्राप्त की सागर पीने की, सातों सागरों को, सारे समुद्र को, यानी जितने भी पृथ्वी पर जल है समुद्र है, सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी गया और कति खाली हो गया, खोखायो, सब तालाब खाली पड़े, सूखे पड़े खंडर, ये
तब देवताओं ने हाथ जोड़े, प्रार्थना करी, ऋषि लोग आए, तब उसने उल्टा ही कुरला कर दिया, सातों समुद्र भर गए। अरे तुम तो ये कह रहे हो कि समुद्र के ऊपर पुल बनाने से पत्थर तरा दिए, वो भी पत्थर किसने तराए वो तो बाद में बताऊंगा, और इसी से तुम मान रहे हो कि रामचंद्र वाज गॉड। तो अगस्त ऋषि ने सारे समुद्र पी लिए थे, इनमें कौन भगवान? समुद्र पाट, समुद्र पाट माने समुद्र को छा के, इसके ऊपर के ढांप के, इसको ऊपर पुल बना के, समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए इनमें कौन करतार, गोवर्धन श्री कृष्ण धारो द्रोण गिरी हनुमंते, और शेष नाग सब सृष्टि उठा रहा इनमें कौन भगवंते। तुम्हारे ही लोक वेद में, तुम्हारी दंत कथाओं में, पुरानी कथाओं में आप ही बताते हो कि सारी सृष्टि सभी ब्रह्मांड के सभी लोकों को शेष नाग उठा रहा अपने सिर पे, और उनमें से एक ये पृथ्वी भी है और विष्णु लोक भी है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तुमने एक श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को, एक गोवर्धन उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया। तो हनुमान ने द्रोणागिरी उठाया पर्वत, और शेष नाग जिसके ऊपर गोवर्धन रखा इस पृथ्वी भी सारे लोगों को भी उठा रहा तुम्हारे अनुसार, तो इनमें कौन भगवंत? गोवर्धन श्री कृष्ण धारो द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठाई इनमें कौन भगवंत? फिर इनमें कौन भगवान होया? क्यों मती मारी गई तुम्हारी? कबीर परमेश्वर ऐसी खरी खरी सुनाया करते थे, हिंदू और मुसलमानों के वो गुरु लोग परमात्मा के शत्रु बन गए, और कहने लगे ये कबीर मेंटल है, ये लबाड़ है, मुंह मावा बंड है, इसकी मत सुनना। पहले तो मारने की चेष्टा की, बहुत से जुल्म किए, लेकिन उनमें वो सफल नहीं हो पाए। अंत में परमात्मा के साथ बहुत सी और भी जुल्म किए। अब समय का अभाव अपुणात्माओं, ये एक ऐसा चैप्टर है, ये ऐसा ज्ञान है, इसको 2 घंटे में तो भूमिका बनती है, आगे के बताना चाहती इतने समय हो जाए। तो पुण्यात्माओं धीरे धीरे लगे रहो सत्संग, आते रहो, कुछ दिनों में आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आनंद आया करेगा अपने भक्ति करने में, सत्संग सुनने में, और आपके जो प्रारब्ध कर्म हैं उनमें पुण्य थोड़े हैं, पाप गड़े। जो पुण्यात्मा पिछले संस्कार अच्छे हैं, पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्यों से जिनकी बैटरी चार्ज है, उनका इन्वर्टर चल रहा है, तो वह सुखी नजर आते हैं, घर में भी सुख है, संतान भी सुखी है, अच्छी पोस्ट प्राप्त है, व्यवसाय ठीक है, संतान भी अच्छी जगह विवाह हो गया है, उनके भी बालक बच्चे ठीक हैं। और जिस दिन ये बैटरी पिछली चार्ज हो जाए, क्योंकि आगे चार्ज ला नहीं रखा, अगर आगे भक्ति कर नहीं रहे, कर रहे हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो, जिसका कोई यूज नहीं, तो फिर जिस प्रकार इन्वर्टर की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है, उससे पहले वो सारे काम हो रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहे हैं, फिर डिस्चार्ज होते ही एकदम झटके मार के ऑफ हो जाएगी। तो पुण्यात्मा जिनकी पिछले जन्म जन्मांतर के बैटरी चार्ज है, वो तो आज सुखी नजर आ रहे हैं, लेकिन वो आगे चार्जर नहीं लगा रहे, तो उनका ये एक दिन वो बैटरी डिस्चार्ज होगी और एक कदम सब कैर टूट जाएंगे उनके ऊपर। अब पुण्यात्मा पीछे एक बार समाचार पत्र में आया था, एक गवर्नर था हिमाचल एंड पंजाब का, उसके पास डबल चार्ज था, और जब तक उसकी बैटरी चार्ज थी, अच्छी पोस्ट रही, गवर्नर तक की पद को पा गया, फिर वो उसी समय सोचा रिटायर होने वाला है कि दिल्ली स्टेशन पर एक बड़ा, बहुत बड़ा कोई प्लाट खरीदूं और वहां बढ़िया कोठी बना के और शेष का जीवन वहां मौज से
बिताऊंगा। तो ऐसे उसने कोई प्लाट खरीदना था 3 करोड़ का, आज से 20 साल पहले की बात है, 25 साल। उसने हेलीकॉप्टर में 3 करोड़ रुपये धर लिए। 3 करोड़ रुपये के थोड़े हो हैं, 100-100 के नोट से जब तक पूरा वजन हो जाता उसमें हो जाता था। हेलीकॉप्टर में जा रहा था सह परिवार और वहां एक्सीडेंट हो गया, वो क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर। वो गवर्नर साहब भी मर गया, उसके बच्चे एक परिवार था गेला वो भी मर गया, और उन नोटा ने भेड़ खावा उड़े पड़े ने, वो गडरी उठा ले गए कुछ थे, और उसने कोई पानी पैनिया नहीं मिला। तो पुण्यात्माओं, आप जी कुछ ऐसे हो जिनके पास पिछले संस्कार हैं कोनी, पिछली बैटरी इतनी चार्ज है नहीं, गरीब से हो, लेकिन आपके भक्ति क्रम बहुत अच्छे हैं, आप जी को यू मार्ग मिल गया। अब आपके यहाँ बैटरी चार्ज उनका चार्जर लग गया, शास्त्र अनुकूल साधना आपको प्राप्त होगी। अब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, और जो भक्ति नहीं करते आपको सुखी नजर आते उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उनके पुण्य नाश हो रहे हैं, और एक दिन आपका और उनका अलग डिफरेंस हो जाएगा, उनकी दुर्गति होगी और आपके सुखों की कमी नहीं रहेगी, आपके ऊपर आने वाली आपदाएं ऐसे टलेंगी दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए उस परमात्मा की भक्ति करो, अन्यथा ये मानव शरीर फिर नहीं मिलेगा, फिर पछताना पड़ेगा। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। हम सत भक्ति ना करके अन्य साधनाएं जो कर रहे हैं, और इस काल के लोक में हम बहुत कष्ट उठा रहे हैं, यहां हम जो परमात्मा कहते हैं कबीर जी के झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोच, या कोई सुखी प्राणी नहीं है। यहां तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कबीर ये माया अटपटी सबगट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। काल के त्रिगुणमयी माया से हम सभी इतने प्रभावित हो गए जैसे किसी ने भांग पी रखी हो, शराब पी रखी हो, और शराब पी के प्राणी कोई पड़ा है बाहर जून के महीने में राजस्थान हरियाणा के अंदर, और उसको कोई कहता है कि उठ ले भाई तेरे पसीने आ रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है, तेरे मुंह में झाग आ गए, प्यासा मर रहा, चल तुझे उठाकर छाया में बैठाता हूं, और वो शराबी कहता है जोड़ दे वो जो रही है। अब उसने हुआ है मौजी के पता नहीं नशे में गधा कित पड़ा हो। तो हम इस नकली सुख ने इसलिए कहे हमारे ठाठ हो रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहते हैं। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, दोपहर की धूप जले दिन के 12 बजे जून का महीना, और उसने भी नहीं हो गया शराबी नहीं हो गया मौज आ रही है छेड़े मत, कोई गर्मी नहीं सता रही, और पसीने आ रही झागा रे मुंह में, हमारी आदत होगी। जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट में जा रहा है कचहरियों में, और वहां रिश्तेदार आ गया, दोनों हैंड शेक करेंगे और क्या हाल है, जो कहेंगे मौज हो रही है, अरे भले आदमी कोर्ट में मौज का के मेरे सब गिगी बंदी रहे वहां पर, सिर्फ हाथ मिला के ये उच्चारण सर्व मुर हमारे मुंह पर चढ़ रहा है, और क्या हाल है भाई, ठीक ठाक मौज हो रही है, कोर्ट में मौज, दोनों दुखी जा रहे, रिश्तेदार भी क्षण सता रहे खराब भी, या दुखी किया हुआ किसी का वहां है। परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं, ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। इस समय ने मनुष्य जीवन को याद करके रोया करोगे, जब पार नहीं हुए सत भक्ति नहीं की तो। अब परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ सत साहे।
सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।